हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो एक ज़्यादा समस्या आ रही है, कई लोगों से गलती हो गई है फॉर्म भरते टाइम। अब वो कह रहे जी कैसे ठीक होगी, क्या करें, तो उसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि जिससे भी कोई मिस्टेक हुई है, कोई करेक्शन करनी है तो वो क्या करेगा। देखो, ये ऑफिशियल पोर्टल, इसका आपको पता है, यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको लॉग इन कर देना अपना आईडी पासवर्ड डाल के। लॉग इन आईडी पासवर्ड आपके पास होंगे, नहीं है तो मेरी वीडियो जो थी फॉर्म भरने वाली वो देख लेना, इधर आई बटन में मिल जाएगी। इवन कंप्लीट प्रोसेस बताया, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक, यानी कि फॉर्म आपको कैसे भरना है वो सारी प्रक्रिया मैंने बताई है इस वीडियो में। बिना देखे मत भरना, गलतियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उसी गलती को सुधारने का प्रोसेस बताने वाला हूँ इस वीडियो में। दूसरी बात, मेरा टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इधर आपको आई बटन में मिल जाए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। मैं वहाँ पर जो भी समस्या आती है आप लोगों को वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ कि उसका सोल्यूशन क्या होगा, क्यों हर चीज़ की वीडियो नहीं बन पाती है। देखो, अब मैं यहाँ से लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन करने के बाद अंदर पोर्टल के अंदर चलते हैं। तो लॉग इन मैंने कर दिया, लॉग इन करने के बाद आपकी डिटेल यहाँ पे शो करेगा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और लास्ट ऑनलाइन। लास्ट ऑनलाइन का मतलब होता है आपने किस टाइम पे इसको लॉग इन किया था लास्ट टाइम पे, ठीक है, ये वो चीज़ दिखाएगा। तो मैंने एक बीच में एक बार फोन में चेक करके देखा था इसको, तो वो ये टाइम दिखा रहा है उसको, क्योंकि मुझे कुछ चेक करना था उस टाइम पे तो मैंने इसको लॉग इन किया था वैसे ही। तो जैसे भी आप कभी भी मतलब किसी भी तरीके से आप लॉग इन करो, यहाँ पे शो करेगा उस चीज़ को, तो ठीक है। तो ये वो टाइम आ रहा है। अब आपको करना है जी, आपको कि भाई मुझे करेक्शन करनी है, गलती हो गई, तो आपको इधर दिख रहा होगा, इधर रजिस्ट्रेशन का ना है, फॉर्म भरना तो यहाँ से भरा जाएगा, लेकिन अगर कोई गलती हो गई करेक्शन करनी तो वो यहाँ से लगेगी, ग्रीवेंस का जो ऑप्शन है यहाँ से। तो चलो ग्रीवेंस के ऑप्शन में चलते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या है। देखो, ग्रीवेंस पर जब क्लिक किया तो मैनेज ग्रीवेंस आया, मैनेज ग्रीवेंस पर क्लिक किया तो यह आया ग्रीवेंस स्टेटस और रेज ग्रीवेंस। ग्रीवेंस स्टेटस का मतलब है आपने कोई ग्रीवेंस लगाई है तो उसका स्टेटस चेक करना, हुई कि ठीक नहीं हुई। और रेज ग्रीवेंस का मतलब होता है आपको कोई ग्रीवेंस लगाने, कोई करेक्शन करने के लिए यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, तो आपको ग्रीवेंस लगानी है, करेक्शन करना है, तो हम करेंगे क्लिक किसके ऊपर, इसके ऊपर, रेज ग्रीवेंस के ऊपर। तो चलो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपके सामने आएंगी। देखो, यहाँ आने के बाद आपके सामने दिखाई देगा कैटेगरी और सब कैटेगरी। अब कैटेगरी में दो ऑप्शन है, टेक्निकल और अदर, ठीक है, और सब कैटेगरी में आएगा टेक्निकल और अदर के जो टिक करेंगे उसके हिसाब से। तो हमें जो लगानी है ग्रीवेंस, तो वो देखेंगे किस टाइप की ग्रीवेंस है। तो मैं आपको बताऊंगा आपको ग्रीवेंस जो लगानी है वो किस कैटेगरी में लगानी है, कैसे लगानी है, जिसके वो करेक्शन करना है वो वाली बात। तो देखो देखो भाई, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है टेक्निकल इश्यू, ठीक है, अगर आपको कोई करेक्शन करनी है टेक्निकल इश्यू सेलेक्ट करो। सब कैटेगरी में आ जाओ, यहाँ पे देखो कई चीजें, जितने स्टेप है ना फॉर्म के सारे स्टेप यहाँ पे दिखाए गए हैं आपको। अगर पर्सनल डिटेल में कोई गलती हुई है तो पर्सनल डिटेल सेलेक्ट करो, अगर रजिस्ट्रेशन में है तो ये करो, मेलिंग एड्रेस में तो ये करो, कैटेगरी डिटेल गलत है तो ये करो, क्वालिफिकेशन वाला गलत है तो ये चीज़ करो, और अपलोड फोटो सिग्नेचर में गलती है तो ये क्लिक करो, और फिर कंफर्मेशन में, तो लास्ट वाले स्टेप में अगर किसी ने गलत अपलोड कर दिया तो ये क्लिक करो। जैसे मैं कह देता हूँ भाई, मेरी तो असेंशियल डिटेल में गलती है, बस कर दिया क्लिक। अब इसके बाद आपको यहाँ पे कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हो, कंपलसरी नहीं है लेकिन लगा सकते हो, 500 KB से कम का साइज रखना। जैसे जो गलती आपसे हुई है उस पेज का फोटो आप यहाँ पे लगा सकते हो, प्लस में यहाँ पे लिखना जरूरी है क्यूरी कि ठीक है कि भाई किस चीज़ की गलती। जैसे मैं बोल दूँ कि माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर इनकरेक्ट, मतलब कुछ भी जो आपको लगे, जो आपकी इश्यू है वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो और लिख सकते हो, उसके बाद आपको सेव कर देना, बस इतना सा आपको काम करना है। और ये जो अदर वाला ऑप्शन है इसमें कुछ नहीं, यहाँ भी अदर है और यहाँ भी अदर ही है, यानी कि अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है कि जो इनसे संबंधित नहीं है, कुछ और ही है, तो आप अदर में करके कर सकते हो। बाकी जो फॉर्म में कोई गलती हुई है तो जो भी आप ग्रीवेंस डालोगे वो वाला ऑप्शन आपका रीओपन हो जाएगा, उसको ठीक कर सकते हो। ये तरीका है करेक्शन करने का, जिससे कोई गलती हुई है, चाहे फोटो अपलोड गलत हो गया, चाहे कन्फर्मेशन गलत हो गई, चाहे आपकी प्रेफरेंस गलत हो गई, चाहे कैटेगरी कुछ भी गलत हो गई, उसको टिक करो, यहाँ पे लिखो, सेव कर दो, बस ये तरीका है ग्रीवेंस क्रिएट करने का। और उसके बाद आपको चेक करना है तो आप आओगे यहाँ पे ग्रीवेंस स्टेटस के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद फिर ऐसा नहीं कि किया और तुरंत चेक कर लिया, नहीं, 1-2 घंटे के बाद। तो देखो इसमें क्या होगा, अब देखो ग्रीवेंस स्टेटस पे जब मैंने क्लिक किया तो ये पूछ रहा है कैटेगरी सेलेक्ट करो, सब कैटेगरी सेलेक्ट करो। तो अगर आपने कोई ग्रीवेंस डाली होगी, टेक्निकल इशू, सब कैटेगरी, मेलिंग एड्रेस, सर्च कर दो। मैंने कोई डाली नहीं तो मेरे यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड। आपने जो डाली होगी तो उसका आएगा ग्रीवेंस नंबर दिखाएगा यहाँ पे,
सब्जेक्ट क्या था, डेट क्या थी, स्टेटस क्या है, रेज वाई, किसने रेज की, क्लोज कौन करा, क्लोज वो करेंगे आपका ठीक करने के बाद, वो सारी चीजें यहाँ पे शो कर देगा। तो मेरे हिसाब से आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई होगी, जिससे भी कोई गलती हुई तो ऐसे कर सकता है अपने। ठीक, और कोई क्यूरी आती है तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट का रिप्लाई तो नहीं कर पा रहा लेकिन मैं देखता जरूर हूँ, उसके अकॉर्डिंग में फिर वीडियो बना देता हूँ और अपने टेलीग्राम पर डाल देता हूँ जो आप कमेंट करते हो। तो कमेंट कर दिया करो, ये मैं सोचा करो कि मेरा रिप्लाई नहीं दिया तो मुझे दिख नहीं रहा, मैं देख रहा हूँ लेकिन वहां पर रिप्लाई ना दे करके मैं टेलीग्राम और वीडियो बना के बता देता हूँ ताकि सबको पता चले। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय आपको दिन सुबह। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।